उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस ने नकारात्मक सोच वाली AIUDF के साथ गठबंधन कर लिया है, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि देश की जनता मोदी के साथ खड़ी है। नगांव संसदीय क्षेत्र से होजाई स्थित बिहूतली मैदान में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए भाजपा के फायर ब्रांड नेता ने कहा कि बदरुद्दीन अजमल की AIUDF असंख्य समस्याओं के लिए जिम्मेदार है, लेकिन सत्ता के लोभ में कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रही है। रैली में योगी ने कहा असम में AIUDF और केरल में देश विभाजन के लिए जिम्मेदार मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने अपवित्र गठजोड़ कर राष्ट्रीय सुरक्षा और आपकी सुरक्षा के साथ समझौता कर लिया है। भाजपा उम्मीदवार रूपक शर्मा के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस पूर्वोत्तर में सभी राज्यों में हार चुकी है, लेकिन इस हार से उसने कुछ भी नहीं सीखा और बार बार वही गलतियां दोहरा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने असम और पूर्वोत्तर का विकास किया है और देश को मजबूत बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य में विश्वास रखती है, न कि बड़े बड़े सपने दिखाने में। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 वर्षों और असम में सर्वानंद सोनोवाल के 3 वर्षों के कार्यकाल में जाति, धर्म, वर्ण और संप्रदाय के साथ साथ हर क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए कार्य किया गया है और लोगों को उसका लाभ भी मिला है। सत्ता में आने के पहले हमारे प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, वो आज देखने को मिल रहा है। गरीब तबके के लोगों को रसोई गैस, बिजली, शौचालय के अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख की सुविधा उपलब्ध है। असम में ब्रह्मपुत्र पर 2 पुलों का निर्माण हो चुका है, वहीं 2 पुलों का कार्य चल रहा है। वहीं दूसरी ओर योगी ने राज्य के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहने की अपील की और कहा कि कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ अपवित्र गठजोड़ है और केरल की वायनाड लोकसभा सीट से जब राहुल गांधी जुलूस के साथ पर्चा दाखिल करने गए तो वहां हरे झंडे स्पष्ट तौर पर दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अपवित्र गठजोड़ ने कांग्रेस की मानसिकता को उजागर कर दिया है।